आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 15,700 का जब लेवल मिलेगा तो आप लोग अपने स्टॉक को एवरेज करोगे। तो आज मार्केट में दोस्तों वो लेवल लमसम में आ गया था। अगर आज मैं बताऊँ आप लोगों को 15,737 का आज मार्केट ने लो मारा था निफ्टी ने। तो मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों एक ये अच्छा लेवल होगा और यहाँ से शायद बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो आज वहाँ से ज़रूर थोड़ा रिकवर करा, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी काफ़ी नेगेटिव है दोस्तों। तो आप लोगों को देखो, पहली बात ये, जिन लोगों ने भी अपने शेयर्स मतलब जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप लोग दोस्तों पैनिक में आके बेचना मत। अगर खरीद नहीं सकते हो तो इस टाइम पर बेचना तो बिल्कुल भी मत। ऐसे मान के चलना कि जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि हम 2-3 साल तक रुकेंगे। तो बेशक आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बेशक मत फ्रेश करो, लेकिन कम से कम अपने पोर्टफोलियो को बेचना मत आप लोग, है ना। और अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लेवल मिल रहा है आप लोगों को, 15,700 के पास मैंने कहा था आप लोगों को, और अभी तो 15,826 दिखा रहा है निफ्टी हो गया है। तो वहाँ से भी 100 पॉइंट के आसपास ऊपर आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी दोस्तों ये तो गिरावट का ऐसा तो है नहीं कि कल से ही मार्केट अब चलना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तो कुछ मतलब ऐसा लगता है कि शायद 14,432 का भी कहीं है ऐसा ना हो लेवल टच कर दे। तो आप लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, एक साथ अभी 15,700 पे सारे पैसे नहीं लगाने हैं आप लोगों को, 14,432 का भी दिमाग में एक फिगर बना के रखनी है। बाकी जब चार्ट पॉजिटिव हो जाएगा फिर तो जो भी हमारा पैसा हम लगाना चाहते हैं और नहीं लगा पाए हैं उसे वहाँ पे जब चार्ट पॉजिटिव होगा तब लगाएंगे। लेकिन गिरती हुई मार्केट में क्या करना है आप लोगों को, 15,700 का जो लेवल दिया था उसे ध्यान रखना था। और अब जो अगला अगर मार्केट नीचे जाती है दोस्तों तो 14,432 पर आप लोगों को स्टॉक एवरेज करने हैं। अच्छा, आज अभी हम लोग कोई फ्रेश स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, हमने जो भी स्टॉक पहले से डिस्कस कर रखे हैं दोस्तों आप लोग उन्हीं को कंसिडर करो। जो भी अच्छे स्टॉक मैंने जिनके भी फंडामेंटल अच्छे बताए थे वो आप लोगों को, अधिकतर स्टॉक दोस्तों मतलब मार्केट में अधिकतर स्टॉक ऐसे हैं जो आप लोगों को 30-40% कम से कम डिस्काउंट में मिलते हैं। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं दोस्तों जो 50% डिस्काउंट पर भी आप लोगों को मिल रहे होंगे। IRCTC, IEX, MCX, HDFC, मतलब बाहर आ रखी है दोस्तों बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक आप लोगों को काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया दोस्तों वो लोग अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं यहाँ से, अच्छी खासा मतलब आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये दिमाग में रखना है आप लोगों को, 14,432 का लेवल अपनी निफ्टी का आप लोगों को लेवल लिख के रखना है और वहाँ पर दोबारा से बिंदास होकर बाय करेंगे। फिर उसके बाद जैसा वहाँ पर सिनेरियो बनेगा तब का तब देखेंगे दोस्तों। पहले ये दोनों लेवल आप लोगों को फोकस करने हैं, 15,700 14,432। मैं कई बार फोकस कर रहा हूँ, आप लोग भी दोस्तों इसे फोकस करो और यहाँ पर अच्छे स्टॉक को एक्युमुलेट करो। जो भी निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक है उनके अंदर जो भी अच्छे स्टॉक आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं दोस्तों सारे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। हालांकि मैं वैसे कहता हूँ कि आप लोगों को कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में 4-5 से ज़्यादा स्टॉक मत रखो, लेकिन इस टाइम पे कम से कम आप लोग दोस्तों 10 स्टॉक कंसिडर कर लो, जो भी बढ़िया 10 स्टॉक हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ITC हो गया। तो इस तरीके से जो भी आप लोग अगर डालोगे निफ्टी टॉप 10 स्टॉक वो मिल जाएंगे आपको, गूगल बाबा बता देंगे आपको, और उनके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा है, सबसे बढ़िया मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि आप लोग MO100 के ऊपर फोकस करो, आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी। जब भी डिप में MO100 मिल रहा है, जब भी आपका मन कर रहा है दोस्तों, चाहे डिप हो चाहे हाई हो, आप लोग MO100 को बाय करते रहो। हाँ, लेकिन इस टाइम पर तो आप लोगों को बाय करने का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी गिरावट में ये स्टॉक मिल रहे हैं आप लोगों को। MO100 जैसा कि मैंने बता रखा है मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100, यानी कि NASDAQ जो अमेरिका का सेंसेक्स है उसके जो टॉप 100 स्टॉक है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और हर जगह मतलब ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओगे दोस्तों, पैनिक में आके अपने स्टॉक को बेचना नहीं है। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा दोस्तों क्रिप्टो में भी अच्छी खासी गिरावट आ रखी है,
तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब आप लोग बाय कर रहे थे, और अब जब इस गिरावट में आप लोग उससे डर के बाहर निकल रहे हो, वो सही नहीं है। आप लोग अगर क्रिप्टो में बने हुए हैं दोस्तों, तो कम से कम अपना क्रिप्टो का भी पोर्टफोलियो बेचना मत, उसे भी बनाए रखो दोस्तों। जब आप लोग आए हो लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म में बने रहो। अब ऐसा नहीं है कि पैनिक में आप लोग बेचना स्टार्ट कर दो उसके बाद मार्केट को गाली दोगे कि तो जुआ है, ये है, फलाना ढिकाना, जो जो आपके मन में आता है सब कुछ आप मार्केट को कहते हो। तो आप लोगों को पैनिक में घबराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है और आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।